तो हम आ गए हैं अभी मंदिर, मंदिर के अंदर आ गए हैं, नारियल वगैरह ले लिए हैं। अभी सुबह का वक्त है, अभी श्रद्धालु लोग कम दिखेंगे आपको। यहाँ सब भक्त लाइन लगे हुए हैं माता के दर्शन के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं चुनरी बांधा जाता है, अपनी मनोकामना जो भी है वो यहाँ पे आगे चुनरी बांध के पूरा किया जाता है। माता का दर्शन कर लीजिए दोस्तों। जय माँ काली, जय अम्बे। यहाँ सभी भाइयों अपना इंतज़ार करते हुए माता जी के दर्शन के लिए। और हमारा पूजा हो गया, हम नन्हे नन्हे माता का आशीर्वाद लेंगे। जय माता दी। ये कन्या भोज किया जाता है पहले। अब हम निकलते हैं बाहर की ओर, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों यज्ञ किया जाता है, यज्ञ कुंड है। आप देख रहे हैं यहाँ सभी की मनोकामनाएं चुनरी बंधी हुई है। जिसको भी अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाएं हैं, यहाँ आते हैं अपना चुनरी बांधते हैं और माता की कृपा से उनकी सारी इच्छाएं भी पूरी होती है, ऐसी मान्यता है यहाँ पे। मनोकामना माता की जय। ये आप देख रहे हैं मनोकामना माता ज्योति क्लस का कक्ष है। सारे श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पे मनोकामना क्लश दिया जलाया जाता है ताकि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो। जैसे देख रहे हैं दोस्तों ये हमेशा जलते रहता है, ये दिया बुझते नहीं है, 24 घंटा आपको ये जलता हुआ दिखेगा। यही तो कृपा है माता की, भक्ति की। जय माँ काली। बचपन का दोस्त, मेरे कॉलेज का दोस्त भी मिल गया आज मंदिर में, ये भी पूजा पाठ कर। जय माता दी, जय माता दी, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। जय माता दी। आप देख सकते हैं धीरे धीरे श्रद्धालु भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ये दिन भर ऐसे सिलसिला चलते रहता है, माता के दर्शन होते रहते हैं। और आपको दिखाता हूँ यहाँ भंडारा का भी। तो हमने भंडारा ले लिया, बोलो भी ले लिया। तो दोस्तों यहाँ पे बाहर पे सारा दुकान लगा हुआ है, फल है, फूल है, अगरबत्ती, जो भी आपको लेना है, बच्चे लोगों के लिए खिलौना है, खाने पीने की सारी व्यवस्था है। यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरे दुकान लगे हुए हैं आजू बाजू। ये आप पीछे तरफ से जाएंगे और ये नीचे का रास्ता है जहाँ से आपको सारा दुकान देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नीचे में यहीं पर आप देखेंगे कि जो मेला लगता हुआ है, लास्ट दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, यहीं से जाते हैं। सारे तरफ मेला ही मेला और ठेला ही ठेला, जिसको भी जो खाना है आप यहाँ के खा सकते हैं। तो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू मेरे दोस्तों। तो गाइस हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं अभी। ये है अपना मांड नदी। क्या बोला तूने? देख सकते हैं गाइस मांड नदी, वो जो बिंगल भैया देख रहे थे वो मांड नदी है। ये है मांड नदी। क्या है ना, भैया का चश्मा पहने तो नजर उधर जाते रहते हैं। और ये अपना राम मंदिर देख रहे हो। तो आओ कभी अम्बे टिकरा।
जितने भाई लोग ब्लॉग देख रहे हो। ये देखो विंकल भैया बाइक चला रहे हैं। तो फाइनली हम माता का दर्शन कर चुके हैं और हम अपने घर को जा रहे हैं और कल लास्ट है नवरात्रि का और यहाँ एक बहुत शानदार और भव्य रूप से मेला लगता है। तो अगर हो सके तो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगा कल का मेला। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय जवाहर छत्तीसगढ़, जय श्री राम। 1 2 3